हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके मन में जो पर्सन है वो करंटली आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें उनके मन में चल रही है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है और सिचुएशन आपकी आगे चल के कैसी रहेगी, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव। तो पूरी डिटेल रीडिंग ये रहेगी। और ज़्यादातर जो रीडिंग देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, तो आपको चूज करना है तीनों पाइल में से एक। तो पहला ग्रुप है ये क्रिस्टल ग्रुप 1 है, और इसके नीचे जो कार्ड है वो पहले से यूनिवर्स की तरफ से जो हमें कार्ड आया है हमने उसको लिया है। सेकंड जो ग्रुप है वो है ये, ठीक है। तो इसमें आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए या फिर जो भी क्रिस्टल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उसको यूज़ कर उसको चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड क्रिस्टल है ये, ठीक है। तो तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम डिटेल्ड में देखेंगे आपके पर्सन की क्या दिल में क्या चल रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, पूरी तरीके से डिटेल्ड होगी, लॉन्ग रीडिंग होगी। तो आप अच्छे से समय निकाल कर इस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, और क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग भी ज़रूर लिखिए। तो मिलती हूँ मैं आपको ग्रुप 1 में, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3। हेलो गाइस, अगर आपने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है और आपके लिए क्या रीडिंग है। तो ये है ग्रुप 1, आपके लिए कार्ड आया है वॉक अवे, अनश्योर, क्लोज ऑफ। ठीक है, आप या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग के बीच में हुआ है जो कि आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, या फिर पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुका है क्योंकि वो पर्सन अनश्योर था, वो नहीं जानता था या नहीं जानती थी कि उसे रिलेशनशिप में आगे क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या फ्यूचर है। इस वजह से रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपने या इस पर्सन ने क्लोज ऑफ कर दिया है। ठीक है, ग्रुप 1, तो आपकी रीडिंग देखते हैं हम, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके पर्सन के साथ उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज पहले देख लेते हैं। आपके साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखो गाइस, पास्ट में तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वर्क रिलेटेड हो सकता है, या आप दोनों एक साथ कहीं काम करते थे, एक साथ जॉब करते थे, वर्क सिचुएशन में आप मिले थे, या स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में मिले थे और आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो कर रहा था। ठीक है, एक दूसरे के साथ आप अटैचमेंट फील कर चुके थे, एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, एक फायर आप दोनों के बीच में था रिलेशनशिप में। हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर एक रिलेशनशिप था जो वर्क के थ्रू, काम के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा हुआ था पास्ट में। ठीक है, अभी प्रेजेंटली देखिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्पेड। कहीं ना कहीं देखो सेपरेशन हो चुका है, एक दूसरे से आप लोग अपार्ट हो, अलग हो, और चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है, आर्गुमेंट्स हुए हो, या फिर एक दूसरे के लिए थोड़ी सी मन में गुस्सा, इस तरीके की एनर्जीज मुझे प्रेजेंटली नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स इस रिलेशनशिप में है प्रेजेंटली। और फ्यूचर देखो 10 ऑफ स्पेड आ रहा है, मतलब चीज़ें अभी इतनी सुधरते हुए नहीं नज़र आ रही है। फ्यूचर में एंडिंग जैसे नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ बिट्रेल हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में हो सकता है पर्सन आपके पास वापस आए, फिर से वही चीज़ें, सिनेरियो रिपीट हो सकती है, एक साइकिल एंड होगा, एक दोबारा से वही साइकिल शुरू होने जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप अब देखो एंड हो चुका है ऐसा नज़र आ रहा है।
ठीक है, हम टैरो से भी देख लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं, जिन्होंने भी ग्रुप कॉन्सिडर किया है उनके पर्सन जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके साथ उनका उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स, उनके पर्सन के साथ उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में, रीडिंग देख रहे ग्रुप पढ़ने। देखो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे इस वक्त नज़र आ रही है करेंटली, ये पर्सन देखो अपने काम में पूरी तरीके से फोकस्ड है, आपसे पूरी तरीके से नो कांटेक्ट इन्होंने बना लिया है, अपने तरफ से कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, ठीक है, हाथ धर के बैठे हुए हैं, मतलब कुछ भी इनके तरफ से आपको कुछ भी इनिशिएशन, कुछ भी आवाज़, कुछ भी ऐसा नहीं करे जो शो करे कि आपको ये चाहते हैं या कुछ आपसे इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, सोसाइटी स्टेटस इन चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर ये पर्सन चाहे तो ये आपके तरफ बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, इनके अंदर इतनी पावर है, पर ये अपने जो सोसाइटी में इनकी स्टेटस है, इज्जत है, इन चीजों के बारे में ये पर्सन ज्यादा सोचते हैं, और इस वजह से ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में हमेशा नजर आते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रगलफुल स्टेट में नजर आते हैं, जो इनके पास है वो उस उन चीजों को खोना नहीं चाहते, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो, आपको लगता है जो आपके जो पर्सन है या कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं और उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लगता है इन्होंने रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं रखा, ठीक है, और हमेशा बहुत ज़्यादा आपके मन में एक मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए थोड़ा सा रूडनेस भी आ चुका है, और आपको इस पर्सन के लिए थोड़ा मन में गुस्सा भी है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपको मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको इसलिए भी इनसे नाराज़गी है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें हमेशा एक ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशन रखा, आपको कभी कमिटमेंट नहीं दी, आपको मतलब ऐसे किया जैसे यूज़ एंड थ्रो टाइप का, इस तरीके से इस पर्सन ने आपको किया, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा भी है और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत नाराज़ भी नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखते हैं, और देखो कहीं ना कहीं जो है अब दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, दोनों ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट अब नहीं करना चाहते, आप अपने जगह में अभी आप अपने आप को काफ़ी रिकवर कर चुके हो, ये पर्सन भी कर चुके हैं, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि खुद से अगर आप आओ उनके लाइफ में तो खुद से आ जाओ, वो अपने तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं करेंगे, वो आपको ना मनाने की कोशिश करेंगे ना कुछ ऐसा एफर्ट करेंगे, और आपने भी ऐसा ठान लिया है कि अब मैं भी वो चीज़ें नहीं करूँगा या करूँगी, इस वजह से मुझे ऐसे एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो कि मैं आगे मैं नहीं झुकूंगी, या फिर ये पर्सन भी सोचते हैं मैं भी नहीं झुकूंगा, इस तरीके से एनर्जीज नज़र आ रही है। तो आप दोनों के एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड इस वक्त तो मुझे नज़र आ रही है। देखो ऑब्स्टेकल्स में मुझे आप दोनों की ऑब्स्टेकल्स में ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक तो स्टेटस रिलेटेड इश्यूज आप दोनों के बीच में है, दूसरे कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, वाइफ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो एक ऑब्स्टेकल सा बन गया है, ठीक है,
जो भी ये पर्सन है, हो सकता है इनकी मदर हो, इनके वाइफ हो, ग्रैंड मदर हो, कोई भी हो सकता है, ग्रैंड फादर, कोई भी पर्सन हो सकता है। वो पर्सन जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक ऑब्स्टेकल बन गया है, और ऑब्स्टेकल का रीज़न कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी हो सकती है, फाइनेंशियल लेन देन भी हो सकती है, या फाइनेंशियल लेन देन अगर नहीं है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पर्सन ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट दिए जा रहा है और सामने वाला पर्सन सिर्फ लिए जा रहा है। इस तरीके एनर्जी होने से म्यूचुअल एनर्जीज में, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। साथ में देखिए आउटकम में भी एक कंफ्यूजन की एनर्जीज है। हमेशा ऐसा लगता है कि आउटकम में आपके पर्सन हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो ऐसे रिलेशनशिप में एंड होना ही सही है। आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी आपको दूंगी कि आगे क्या करना चाहिए। देखो हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, हमेशा कोई ना कोई रिलेशनशिप में फ्यूचर में ऐसा लगता है कि देखो आउटकम में ये आया है तो डेफिनेटली आपके पास हो सकता है और भी ऑप्शंस आए, एक न्यू रिलेशनशिप आपके तरफ आए और आप दोनों ही अपने लाइफ में अलग अलग सेटल हो जाओ। ठीक है, वो अपने लाइफ में अलग सेटल हो जाए, आप अपने लाइफ में अलग सेटल हो जाओ, एक नया रिलेशनशिप, एक नया फुलफिलिंग जो कि दिल को खुशी दे, इस तरीके की रिलेशनशिप आप दोनों के फ्यूचर में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस लेती हूँ रिलेशनशिप में, गाइडेंस क्या है ग्रुप वन के लिए। देखो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, जो भी सिचुएशन हुआ उसे अब जाने दीजिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। जैसे कि आप इस आप चाहते हो कि जस्टिस हो, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करोगे तभी चीज़ें आप जैसे चाह रहे हो वैसी होने लगेगी। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पार्टनर जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना है, अगर आप नहीं समझ रहे तो उनको समझना है, तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ की भी कमी नज़र आ रही है। पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे तो वो आप नोटिस करते रहिए। ठीक है, और देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहला है आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप। ये व्यक्ति बोलना चाहते हैं कि इन्होंने एक स्पेशल रिलेशनशिप तो खोया है। ठीक है, इनको ये एहसास है कि आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में बहुत स्पेशल था पर अब वो खो चुका है। आई हैड मैनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। बोलना चाहते हैं कि आपके साथ अलग होने के बाद भी उनके और भी रिलेशनशिप थे और जिसमें कि उनका बहुत दिल टूटा है। यू मिसअंडरस्टूड मी, बोलना चाहते हैं कि आपने ही उन्हें गलत समझा था। आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। तो बोलना चाहते हैं कि पर आपके लिए उनके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू। तो कहीं ना कहीं उनको पता है मन में कि आपको, आप एक अच्छे इंसान थे, आपको खोना जो है एक उनके लिए भी मुश्किल था। आई वंडर वॉट यू फील टू बी मैरिड विथ यू। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप पास्ट में अच्छा था पर प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप दोनों एक ही नहीं हो पा रहे हो। ठीक है गाइस, तो आपके लिए ये थी रीडिंग ग्रुप वन की, होप आपको रेजोनेट हुई। ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप वन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो गाइस, अगर आपने ये ग्रुप टू सिलेक्ट किया है, ये वाला क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं इसमें कार्ड क्या आया है। मिसिंग समवन लॉन्गिंग। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी नज़र आ रही है उसमें ये है कि कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है, कोई रोता है। ठीक है, बहुत तन्हाई महसूस कर रहा है उस पर्सन के बिना और बहुत तड़पता हुआ कोई इंसान है, या तो आप हो या ये पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा तड़प है एक दूसरे के लिए। मतलब ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं पर एक दूसरे के लिए तड़प भी है। ठीक है, अब देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप टू सिलेक्ट किया है,
ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है। उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में है जैकब डायमंड, प्रेजेंट फ्यूचर। देखो पास्ट में आप दोनों की जो रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे लग रही है, आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग था, एनर्जेटिक है कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते थे। पर थोड़ा सा रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है इमैच्योरिटी थोड़ी थी आप दोनों के बीच में। पर पास्ट जैसा भी था, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग एनर्जेटिक कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए टू ऑफ हार्ट है, इसको कवर करता हुआ, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग था, लविंग था और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी मुझे नजर आ रहा है। पर प्रेजेंटली आप दोनों के बीच में स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कुछ ऐसा इस पर्सन ने कहा है या आपने इनको कहा है, जिसकी वजह से एक दिल टूटा हुआ सा नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, खासकर कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नजर आ रही है प्रेजेंटली। ठीक है, किसी, हो सकता है किसी डिसीशन को लेके, किसी कम्युनिकेशन को लेके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और बहुत ज़्यादा मन मुटाव सा हो गया है प्रेजेंट में। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या है। क्वीन ऑफ डायमंड आया है। देखो फ्यूचर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप दोनों का जो इस ब्रेकअप के बाद जो रिलेशनशिप, फ्यूचर में उम्मीद तो नज़र आ रही है कि फ्यूचर में दोबारा आप मिल सकते हो, और इस बार ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, पहले जैसा ही होगा। पर लविंग टाइप की एनर्जीज तो मुझे नज़र आ रही है आप लोग की, पास्ट की बहुत अच्छी। पर फ्यूचर में ऐसा लगता है थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहोगे आप, क्योंकि ये जो प्रेजेंट में हुआ है उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ते हुए नज़र आ रहा है। फ्यूचर में रिलेशन आप दोनों के बीच में स्ट्रांग एक कनेक्शन तो रहेगा, एक एनर्जेटिक बॉन्ड आप दोनों के बीच रहेगा, पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके और आपके रिलेशन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या आप क्या सोच रहे हो, रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टेकल्स है, ये सारी बातें चेक करते हैं। मैंने इंग्लिश प्लीज गाइड में, जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है ये क्रिस्टल, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं करंटली, उनको लेकर, उनके पर्सन उनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। ग्रुप टू सिलेक्ट किया, उनके पर्सन उनको करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है कि वो चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके साथ जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो जब अकेले में रहते हैं आपके बारे में ही सोचते हैं, वो रिलेशनशिप में एक कुछ पॉजिटिव चेंज की उम्मीद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस्मत में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा कि आप दोनों दोबारा मिलोगे, दोबारा एक टर्निंग पॉइंट आएगा रिलेशनशिप में, इस तरीके से वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा लगता है कि
ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, अब वो रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा मैच्योरली एक्ट करेंगे। पहले हो सकता है वो ज्यादा इमैच्योर थे रिलेशनशिप को लेकर, पर अब ये पर्सन मैच्योर वे में एक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जीज ऐसे नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ चाहते हो कि ये पर्सन आपके तरफ एक्शन ले, आपसे बात करे, या अगर दूर है आपसे तो मिलने आए, अपने तरफ से एफर्ट करे। पर आपको आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे भी नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो अपने तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं करे, ये सिर्फ अपने काम में फोकस्ड है, पैसों की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, या ओपन अप नहीं हो रहे थे फीलिंग्स को लेकर, कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। तो आप इन बातों को सोच के ही ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप दोनों के जो है म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ही इंतजार कर रहे हो एक दूसरे के तरफ कम्युनिकेशन के बारे में, एक दूसरे से रूठे से हुए हो। आप चाहते हो वो आपको कम्युनिकेट करे, वो चाहते कि आप उनको कम्युनिकेट करो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रूठे होके मुंह फेर के एक दूसरे के साथ खड़े हो, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हो, ईगो में नजर आ रहे हो, और ये पर्सन भी ईगो में नजर आ रहे हो। आप दोनों ही बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक वाले एनर्जीज में नजर आ रहे हो, और हार नहीं मानना चाहते हो, कोई आप झुकना नहीं चाहते, और ये पर्सन भी झुकने को रेडी नहीं है, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। बाकी आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल मुझे नजर आ रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हो सकता है आप दोनों ने ही किसी थर्ड पर्सन या किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, काम से रिलेटेड कुछ था, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है, और वही चीज ऑब्स्टेकल बन चुकी है कि किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोला। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज, या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आ गया। ठीक है, और कुछ ऐसी हुई कि फ्लर्टिंग या कुछ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में आ गया। देखो आप दोनों के फ्यूचर की एनर्जीज मुझे क्या नजर आ रही है, 8 ऑफ सोर्ड। आप दोनों ही चाहो तो अभी भी रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, पर दोनों ही देखो हाथ बांध के ऐसे खड़े हुए हो, क्योंकि आप सोचो कि वो आएंगे और वो सोच रहे कि आप आओगे। इस तरीके से एक रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में आ चुकी है। नहीं तो आप दोनों कोशिश करो, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कोशिश करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो, पर रिलेशनशिप में ये स्टक एनर्जीज से निकल के आप दोनों के बीच में दोबारा से चीज़ें ठीक होते हुए भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो चिंता की आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, आप दोनों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अबंडेंस आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली अबंडेंस आने वाली है, या तो फाइनेंशियली या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई अबंडेंस आने वाली है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट करो, धैर्य रखो, ज्यादा बेचैन मत हो, हड़बड़ी मत करो। आप बहुत ऐसा लगता है खुद को होल्ड करके रखे हो, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आ रही है। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, अब आप देख लेते हैं हम लोग कि ग्रुप टू के पर्सन ग्रुप टू को क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप टू के पर्सन, ग्रुप टू जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं। देखो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट। तो बोलना चाहते हैं कि आपकी जो खुशबू है वो अभी भी उनके इर्द गिर्द रहती है, मतलब तो वो फील कर पाते हैं आपके प्रेजेंस को। इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल इन लव अगेन। ठीक है, बोलना चाहते हैं कि दोबारा अगर वो प्यार करना भी चाहे तो उन्हें बहुत वक्त लगेगा। आई विश यू कैन फॉरगिव मी। बोलना चाहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें माफ कर दोगे। आई होप आई कुड फेस यू।
ठीक है, आपके पर्सन ने हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दी या एंटरटेन किया, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तब तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, आई होप आई कुड फेस यू, जो भी गलती किया उसके बाद फेस कर पाए आपको और आपसे माफी भी उम्मीद कर रहे हैं। आई एम ऑर्फेंड विदाउट यू, आपके बिना कहीं ना कहीं वो जो केयर, वो जो लव आप दिखाते थे, वैसा प्यार नहीं मिलने की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा अनाथ, अकेला सा फील कर रहे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो आपको भुलाना बहुत मुश्किल है, वो आपको ऐसा भी बोलना चाह रहे हैं। तो ग्रुप टू, ये थी आपकी रीडिंग और होप आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट हुई हो तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो गाइस, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आया है। करेज, बोल्ड स्टेप, रिस्क टेकर। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे में ठीक चल रहा है, पर कुछ फैमिली इश्यूज हो सकती हैं जिसमें कि आपके पर्सन को कुछ स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है। उसके लिए उनको वो हिम्मत चाहिए या आपको वो हिम्मत चाहिए कि आप अपने फैमिली वालों को मना पाओ, या ऐसा कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम टैरो से देखेंगे क्या आप करेंटली फील कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, या आप ग्रुप वन या ग्रुप टू में दूसरे कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं अभी। जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है, सॉरी ग्रुप थ्री सिलेक्ट किया है ये क्रिस्टल, उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। उनके रिलेशनशिप में पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। देखो, आप लोग की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। पास्ट में आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग लव है, एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है, मतलब आप बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ जाना। रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी है, एक दूसरे के बॉन्डिंग आप दोनों का स्ट्रांग है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हो आप, इनके साथ स्टेबल सिक्योर फील करते हो, ये भी फील करते हैं। मतलब पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ कि पास्ट में इस तरीके की एनर्जीज थी। प्रेजेंटली भी बहुत ज़्यादा लव एनर्जीज है, एक दूसरे के लिए फिजिकल, आप फिजिकल डिस्प्ले करते हो प्यार का, एक दूसरे को शो करते हो कि आप इनको कितना चाहते हो, वो आपको शो करते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से प्यार आप दोनों के बीच में स्ट्रांग है। यहाँ पर सिक्स ऑफ डायमंड का कार्ड आया है, तो आने वाले टाइम में भी आप लोग का रिलेशनशिप मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से ही चीज़ें ठीक होंगी। पर एक आप लोग के लिए गाइडेंस भी है फ्यूचर के लिए, कि कम्युनिकेशन हमेशा आप बना के रखना इस पर्सन के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, जब भी आप दोनों के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को, देखो, आप में ये पसंद आता है कि आप बहुत बोल्ड हो, करेजियस हो, और आप का जो स्टाइल है और आपकी जो बात करने का तरीका है उससे ही वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो चीज़ आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है। तो देख लेते हैं ग्रुप थ्री, जिन्होंने भी ग्रुप थ्री चूज़ किया है, उनके पर्सन, उनके लिए करेंटली क्या फील करते हैं। थ्री चूज किया है उनके पर्सन, उनको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप थ्री, जिस ग्रुप थ्री अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं।
देखो आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन एक अभी करेंटली एक कोई डिसीशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ का एक मेजर डिसीशन में वो अटके हुए हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पाइल में, कि आपके पर्सन की फैमिली में कोई फादर फिगर है, मदर है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। उस वजह से आप दोनों के पीछे प्रॉब्लम्स है और ये पर्सन इस वक्त एक डिसीशन के मोड में है कि डिसीशन लेना है कि वो आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप आगे, क्या ये वो एक बोल्ड स्टेप ले पाएंगे, क्या वो चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। तो करेंटली उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही है, ठीक है। आप क्या, आपके क्या लग रहा है आपको कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपोजिंग है, बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्सेस है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, और पर आप दिल से चाहते हो कि ये जो पर्सन है आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। आपके मन में ये इस वक्त इस पर्सन को लेकर चल रहा है और ये पर्सन आपको लगता भी है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए सबसे लड़ेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है सिचुएशन, ठीक है, ये वाला जो हमने निकाला था वो था म्यूचुअल एनर्जीज, ठीक है। अभी ऐसा लगता है म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ने ही गॉड को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूजिंग एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप भी कंफ्यूज हो, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। साथ में की जो ऑब्स्टेकल्स है ये है कि मैरिज से रिलेटेड ही इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रही है, तो वही आप दोनों के पीछे ऑब्स्टेकल्स बनी हुई है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, और ट्रैवलिंग भी एक इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रही है। आउटकम देखो, आउटकम में मुझे ये नज़र आ रहा है किसी स्ट्रिक्ट पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकअप टाइप की भी सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे टाइप की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यस, अ ईयर फ्रॉम नाउ और इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है कि यस, जो भी आपने सोचा है वो ज़रूर होगा, और अ ईयर फ्रॉम नाउ जो है चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज होगी, पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है। और बाद में आपके हाथ में होगा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे क्या चाहते हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी मुझे ऐसा लगता है आप लोग के बीच में पेरेंट इश्यूज ही या डिस्टेंस इश्यूज की वजह से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। देख लेते हैं क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। देखो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू, ठीक है। आपके पर्सन जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको और मिस करते हैं, मतलब आपको भुला नहीं सकते। वाई आई डिडंट स्पीक अप व्हेन आई हैड अ चांस, तो बोलना चाहते हैं कि उनको जब मौका मिला था तब वो आपसे क्यों नहीं बोले, उस बात का दुख है। आई विश वी कुड हैव मेड इट, तो बोलना चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो वर्क करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं। यू वेर नॉट लॉयल टू मी, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि ये पर्सन अपने पेरेंट्स की वजह से या किसी बात की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं पता आप उनका साथ दोगे कि नहीं, इस तरीके से एक एनर्जीज है, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होने की वजह से नहीं पता आप लॉयल रह पाओगे कि नहीं। आई रिमेम्बर अवर फनी जोक्स, पर वो आपके साथ जो जितने भी अपने फनी जोक्स हैं, पुरानी यादें, उनको बहुत याद करते हैं। आई एम डाइंग टू सी यू, आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, ठीक है। तो गाइज ये थी रीडिंग ग्रुप 3 की, होप आपको से तो रेजोनेट हुई होगी। तो लाइक करिएगा रीडिंग को,
कनेक्ट विद दिस एनर्जी एंड आई क्लेम दिस रीडिंग, ज़रूर लिखिएगा टू शो ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू. टेक केयर. बाय.